चलिए अब हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 We want to find the limit of this function at x is equal to 5. अब हमने क्या करना है x is equal to 5 slightly to the left of 5 and slightly to the right of 5. और जो common value आप use करेगा that will be your answer. F of x. X minus जो ये x और f of x. अब x को slightly to the left हम put कर रहे हैं तो 4.99, 4.99, 4.999 then 5, then 5.01, 5.001. अब x plus 10. हाँ जी बच्ची 5 के स्लाइटली लेफ्ट और स्लाइटली राइट वाले पॉइंट्स के लिए जिस किसी पॉइंट पे आपको लिमिट निकालना है उसके लेफ्ट और राइट वाले पॉइंट्स आप लेंगे तो अगर वो किसी कॉमन वैल्यू की अप्रोच कर रहे हैं तो दैट विल बी योर आंसर अब जैसे मैं अगर इसको डायरेक्ट पुट करूं तो 5 प्लस 10 15 यानी कि ये दोनों वैल्यूज 15 को अप्रोच कर अब यहाँ पे 10 ऐड करेंगे तो 14.9 अप्रोक्सीमेटली 15 राउंड ऑफ करेंगे तो This is again, same way, 15.01, 15.001, 15.0001. All of these are approaching 15, तो आपका limit x tends to, लिखने में ये x रहेगा, f of x, this is equal to limit x tends to 5, f of x की जगह हम replacement कर देंगे x plus 10 से, जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो पुट करते हैं तो 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 ये आपका डायरेक्ट मेथड है ये आपका टेबल वाला है दिस मेथड वी विल नॉट फॉलो हम डायरेक्ट मेथड लिमिट x टेंड्स टू 5 क्योंकि एट x इज इक्वल टू 5 निकालना है फंक्शन क्या गिवन है हमें x प्लस 10 तो f ऑफ x से रिप्लेस कर दिया x प्लस 10 से अब x कितना है किसका अप्रोच कर रहे हैं 5 क्योंकि मुझे लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन डिफरेंट नहीं गिवन तो मैंने क्या किया यहाँ पे सीधा इसको 5 पुट किया अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं आपको मैंने क्या बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम a माइनस h लेते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए हम a प्लस h लेते हैं वेयर h अप्रोचेस टू 0 तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे x टेंड्स टू 5 फ्रॉम माइनस साइड हो जाएगा देन x प्लस 10 अब x x टेंड्स टू 5 माइनस में जो यहाँ पॉइंट होगा यहाँ आपने x टेंड्स टू 0 कर देना है हमेशा ये वाली जो x की वैल्यू है वो इधर पुट करोगे विद माइनस h यानी कि x टेंड्स टू 5 माइनस का मतलब क्या है पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस h x टेंड्स टू 5 प्लस का मतलब क्या है पुट x इज इक्वल टू 5 प्लस h अब जब आप x is equal to 5 minus h put कर रहे हो, x किसको approach कर रहा है 5, तो यहाँ पे 5 put करने के, h किसको approach कर रहा है 0, ठीक है? Same way में जब यहाँ पे आप x tends to 5 में, x को 5 put कर दोगे, तो h किसको approach करेगा 0, तो left hand limit में जब मैंने इसको 5 minus h से replace किया, तो h किसको approach करेगा 0 और x के साथ ये प्लस 10 f अब h की वैल्यू 0 डालोगे तो 5 प्लस 10 कितना आ जाएगा 15 सेम वे में आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस अब 5 प्लस h क्या हो जाएगा 5 प्लस x पुट कर दोगे तो अगेन दिस इज इक्वल टू 15 तो जहां पे हमारी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं हो रहा वहां हम इसको डायरेक्ट यूज यानी कि जहां हमें
लेफ्ट और राइट हैंड गिवन के लिए फंक्शन सेम गिवन है, वहां हम उसको डायरेक्ट पुट करते हैं. ठीक है, क्लियर? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हमारे स्टार्टिंग में वहां हम डायरेक्ट पुट करेंगे. कईयों में डायरेक्ट पुट करने के लिए 0.0 फॉर्म आ जाते हैं, वहां अगर वो रूट वाले फॉर्म में है हम रैशनलाइज कर भी सकते हैं, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है हम फैक्टर कर सकते हैं. सिंपली हमने एक वैल्यू निकालनी है, हमें लिमिट निकालनी है. ये वाला अगर मैं ऐसे नहीं निकालना चाहती, मैं डायरेक्ट निकाल सकती हूँ. डायरेक्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना है, जो मुझे एक्स की वैल्यू गिवन है वो यहाँ पे पुट करना है. यहाँ पे पुट करके क्या आ गया, पुट कर. इन केस अगर मेरा फंक्शन मुझे ऐसे नहीं गिवन, मुझे ऐसे गिवन है एफ ऑफ एक्स, यहाँ दो फंक्शन गिवन है for x less than 5, for x greater than equal to 5. अब less than 5 वाला मतलब slightly left पे, तो उस टाइम पे मुझे function की वैल्यू ये देनी पड़ेगी. greater than 5 मतलब slightly right पे, तो उस टाइम function की वैल्यू ये देनी पड़ेगी. इस केस में मुझे सिंपल वैल्यू जो अपने को आएगा डायरेक्टली मतलब अगर ऐसे की बने मानो सब टाइम्स क्या होता है बता दो. जैसे मान लो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक की बने, ट्रिग्नोमेट्रिक में मुझे पता है कि सेकंड वाले में साइन नेगेटिव पॉजिटिव कॉस नेगेटिव अकॉर्डिंगली तो पाई बाय पाई बाय 2 में चेंज होगा. अगर मैं पाई बाय 2 माइनस एच करूंगी तो कॉस वाली मेरी टर्म नेगेटिव होती है, इधर पॉजिटिव होती है. तो ऐसे केसेस में आपको पाई बाय 2 माइनस एच पाई बाय 2 प्लस एच, क्योंकि फंक्शन चेंज हो रहा है वो डायरेक्ट मेथड है. ये अलग, ये अलग, ये LHL और RHL. लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने इसमें निकाली. यहाँ मैंने क्या शो किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मेरी सेम आ रही है, वहां मैंने डायरेक्ट किया. यहाँ भी मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट ली, एक्सटेंड्स टू 5 माइनस जो फंक्शन गिवन है एज इट इज. जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हो जो नंबर यहाँ पे गिवन है, तो 5 गिवन था यहाँ पे 5 माइनस एक्स को रिप्लेस कर दो 5 माइनस एक्स, और यहाँ जो आपका लिमिट था ये हमेशा क्या बन जाएगा एच टेंस. उसके बाद ये वाला प्लस टेन एस के साथ गया, ठीक है. देन लिमिट एच टेंस ये सिंपलीफाई कर दिया हमने, एच टेंस टू जीरो था एच को, अब सुन नहीं रहे आप मुझे, एच टेंस टू जीरो था एच को जीरो करके ये आंसर. राइट हैंड लिमिट है तो प्लस का साइन है, जो नंबर यहाँ पे है दैट प्लस एच, तो ये आ गया 5 प्लस एच. फंक्शन में जहां जहां एक्स है विद जो बची पावर है वहां 5 प्लस एच का, बाकी जो गिवन है वो ऐसे के साथ. जहां जहां एच है वो जीरो से रिप्लेस करके सिंपली कर. अगर ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम आ रही है तो मींस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड दैट आंसर इज 15. अगर वो सेम नहीं है तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. दो तीन क्वेश्चन करोगे क्लियर. हमने फिर टेबल वाले जो है ये वाला मेथड फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है. अब एग्जाम्पल 9 देखो, पेज नंबर 290 पे. निकाल लिया पूरा पेज नंबर 290 निकाल लिया. एग्जाम्पल 9, अब इसमें देखो x less than 0 के लिए आपको फंक्शन क्या गिवन है, x minus 2, x greater than 0 के लिए x plus 2, और x is equal to 0 पे that is given to be 0. अब लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ क्या आएगा, x minus 2 फंक्शन आएगा फॉर फाइंडिंग द लेफ्ट हैंड लिमिट. सो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम माइनस साइड f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम माइनस साइड. x लेस देन 0 के लिए आपका जो फंक्शन गिवन है दैट इज x माइनस 2. अब x को 0 पुट कर दोगे, यहाँ पे 0 माइनस h नहीं लेना, क्यों, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए ऑलरेडी मुझे उन्होंने फंक्शन ये दिया
तो वो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है, तो जीरो माइनस एच नहीं करो, यहाँ पे डायरेक्ट इसको जीरो पुट करो, तो योर आंसर विल बी माइनस टू। सी पे भी राइट हैंड लिमिट जीरो फ्रॉम प्लस साइड, और एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन इज एक्स प्लस Amit, if any doubt is there, which you can ask. Otherwise, I am ending the meeting.